न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपनी बातों से हर वक्त सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों भी वो कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इफ्तार पार्टी के बाद जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये दावा किया कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है और चाचा नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी हो गया। लेकिन इसके बाद तेज प्रताप यादव पे एक बड़ा आरोप लगाया गया है। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव पे आरजेडी के कार्यकर्ता ने ये आरोप लगाया है कि वो उनको कमरे में ले जाकर उनकी पिटाई की है। दरअसल इफ्तार पार्टी के दौरान एक कार्यकर्ता ने तेज प्रताप पर यह आरोप लगाया है कि जिस वक्त पार्टी चल रहा था उस वक्त तेज प्रताप यादव उनको कमरे में ले गए और कमरे में ले जाकर उनकी खूब पिटाई कर दी, जिसके बाद जगदानंद सिंह को उस कार्यकर्ता ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और इसके बाद तमाम तरीके की बातें चर्चाएं होने लगी है। इसे लेकर के अब जीतन राम मांझी काफी सहानुभूति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तेज प्रताप यादव के सबसे बड़े दुश्मन उनके ही छोटे भाई तेजस्वी यादव है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, आप भी सुनिए। देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र और हसनपुर के माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी के साथ अब तेजस्वी जी अत्याचार करवा रहे हैं। पहले अपने लोगों से उन्हें मंदबुद्धि, भक्चुगर और पता नहीं क्या क्या गालियां दिलवाई और अब फिर से एक साजिश के तहत उनको दल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चीजें बहुत स्पष्ट है। पहले विधानसभा चुनाव के वक्त आपने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी को पोस्टर से बाहर कर दिया, फिर अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के अवसर पर अपने एक नेता से पोस्टर लगाया और साफ तौर पर राबड़ी देवी जी की तस्वीर को हटा कर वहां पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई और अब एक साजिश के तहत तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति परिवार के अंदर अत्याचार कर सकता है, अगर उसको बिहार का शासन मिल जाए तो वो क्या करेगा उसकी बानगी है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि कम से कम तेज प्रताप जी वाले प्रकरण पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो ये बिहार की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश और राज्य चलाने के लिए अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है और अगर अपोजिशन तानाशाह हो जाएगा तो राज्य के लिए हालात ठीक नहीं होंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि दानिश रिजवान ने ये बड़ी बात कह दी है कि तेज प्रताप यादव के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने एक प्लानिंग की, सबसे पहले उनको परिवार से बाहर निकाला और अब पार्टी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे वो सहन नहीं करेंगे। और उन्होंने ये लिख दिया था कि जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे तो वो उनके हाथ में अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिसके बाद तमाम तरीके की बातें चर्चाएं होने लगी। लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनके परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सच में क्या तेज प्रताप यादव को अब उनकी पार्टी से निकाले जाने की बात की जा रही है, क्या उनका परिवार उनके साथ नहीं है। कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन तेज प्रताप का ये ट्वीट एक कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे ही खबरों के लिए कशिश न्यूज के साथ आप बने रहिए।